जमीन का दाखिल खारिज व जवाबंदी कायम करवाने को लेकर एक 71 वर्षीय वृद्ध महिला सोमवार को अंचल कार्यालय पर आमरण अनशन पर बैठ गई। राजकुमारी ओझा बात क्या तो आयल कत कत कागज दिल्ली हमारे जमीन 3.5 कट्ठा हड़पि लेने ये आ कत पटना में कागज दिल्ली को मुख्यमंत्री को छोड़ने नहीं छे कत झंझावत झंझारपुर में मधुबनी में दरभंगा में क्यों हमारे काज नहीं कह रहा है हमारा सब अनाथ के देखे जहन कोर्टे कचहरी नहीं देखे तो लोग के देखते मुख्यमंत्री के दलियन हाँ शिला मंडल के दलियन हाँ मतलब ककरो नहीं छोड़ने छे हाँ सब लगावन आवेदन देखियो ना सबटा आवेदन एते दरगाह दे चुकल लेकिन कोनो सुनवाई नहीं छे तो अफसर के पेट अफसर में मिलल रहे छे ना अब दुनिया में जहन अनाथ के गवाही नहीं क्यों दे छे लोग एते दिन छले कोर्ट कचहरी अब कोर्टो कचहरी नहीं छे समस्या भेलन जे हिनकर जमाबंदी छलन से हिनका गजमरुआ खास में धनहर जमीन के धकेल दलकन सीओ तकर बाद ई गेलै डी सी एलआर झंझारपुर ओहिठाम से कागज 2 साल में आनि के देलखिन फिर सीओ साहब के सीओ साहब आज करते हैं कल करते हैं आज करते हैं कल करते हैं ई जहन नहीं केलखिन तहन ई पटना गेलै मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जनता दरबार हैं स्वराज मिनिस्टर स्वराज सचिव भूमि सुधार उप सचिव सबसे मिलकर दरखास्त दिलखिन राज्यपाल के दरखास्त दिलखिन कमिश्नर के दरखास्त दिलखिन कलेक्टर के 10 दरखास्त आ 1 नोटिस दिलखिन सीओ के 7 दरखास्त 1 नोटिस दिलखिन थाना के दिलखिन ग्राम पंचायत के दिलखिन कतौ से केओ हिनका संग नहीं भेलन मुख्यमंत्री राज्यपाल सबके दिलखिन कतौ से कोनो कार्रवाई नहीं भेलै तहन आखिरी में आबि गई आइ 17/4 के से एहिठाम अनशन आवरण में बैस गेलखिन बीमार छथिन दवाई सबटा चलि रहल छनि तखन तऽ आब की होइ छै आगू से तऽ समय एते या समस्या जे छै से देख इस मामले में सीओ ने बताया इस मामले में सीओ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि डीसीएलआर द्वारा पारित आदेश के आलोक में कार्य की जा रही है।